लक एक ऐसा चीज है जो मरते हुए इंसान को भी बचा सकता है। एक इंसान को जैकलिन एच लुकस नामक एक व्यक्ति जो यूएस का रहने वाला था उसके साथ ये घटना घटित हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बचा दिया है। पहली बार तो उन्होंने दो दो ग्रेनेड के ऊपर कूद पड़ा लेकिन फिर भी बच गया। एक ग्रेनेड फटा, उससे बुरी तरह से घायल भी हुआ लेकिन मिरेकली वो पूर्ण रूप से सुस्त हो गया। सेकंड टाइम उसको उसके ही किसी एनिमी ने, उसके एक शत्रु ने हिटमैन के द्वारा उसको मारने की कोशिश किया लेकिन हिटमैन उसको मारने में नाकामयाब रहा। और थर्ड टाइम उसके साथ जो हुआ उससे सब चकित रह गया क्योंकि विमान से छलांग लगाने के बाद उसका पैराशूट नहीं खुला और वो सीधा 3,500 फीट नीचे आके ज़मीन पर गिरा। लकीली उसका एक भी हड्डी नहीं टूटा, वो आराम से लड़खड़ाते हुए उठकर चला गया। दोस्तों क्या आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पोलिश आर्मी को एक भालू मिला था जो पोलिश आर्मी के साथ रहते रहते वो जो भालू है वो बहुत कुछ सीख लिया था। वो इंसानी भाषा समझते थे, ज़्यादातर पोलिश लैंग्वेज जो है वो समझते थे। सबसे मज़ेदार जो बात है वो है वो बियर पीता था, मतलब बियर ड्रिंकिंग बियर, वाओ। और ये बियर पीने के लत जो लगा था उस भालू को वो सेनाओं के साथ रहते रहते वो बियर पीना सीख गया था और वो कभी कभी स्मोक भी कर लेते थे और उसका चाहिदा कॉफ़ी भी था, वो कॉफ़ी बहुत पीता था। तो एक बार उस भालू ने एक स्पाइक को पकड़ा दिया था और इस वजह से वो जो पोलिश आर्मी था वो अंग्रेजों के हाथ लगते लगते बच गए। वो भालू आर्मी को बहुत हेल्प किया, वो दो तीन आदमी का काम एक ही बार में कर देता था और उसको आर्मी के तरफ से मेडल भी मिला। आर्मी में सर्विस देने की वजह से वो भालू बहुत ही पॉपुलर बन गया था और अभी यूरोप में उस भालू का दो चार स्टैचू भी है जगह जगह में यूरोप में। दोस्तों क्या आप जानते हो कि पोलिश का वर्दी खाकी ही क्यों होता है? पोलिश का वर्दी खाकी ही होगा ये फिक्स किया गया था 1847 में और ये फिक्स किया था लेफ्टिनेंट जनरल हैरी लैंडस्टन बर्नेट ने। दरअसल खाकी ये वर्ड आता है खाक से, खाक का मतलब राख या मिट्टी और ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है कि देश के सेवा के लिए जवान खाक या राख भी हो सकता है। दोस्तों 15 अगस्त में हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे लेकिन आप जानते हो ये जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड ये जो देश है इसमें जो इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं लेकिन ये जो देश है किससे स्वतंत्र हुए थे गेस कीजिए। ये भी स्वतंत्र हुए थे इंग्लैंड से। जी हाँ, ये जो इंग्लैंड है ये कहाँ नहीं अपने कॉलोनी बनाए थे, ये दुनिया के लगभग सभी जगह में अपना कॉलोनी बनाए थे। दोस्तों दुनिया में एक ऐसा मिर्ची है जो इतना तीखा है, इतना तीखा है कि इसको खाने के बाद आपको सफोकेशन हो सकता है और इसके वजह से आपका सांसें भी रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन्स ब्रीथ। दोस्तों कोका कोला जो है वो एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक है जो दुनिया में कहीं पर भी मिल जाएगा लेकिन ऐसा भी देश है जहाँ पर आपको कोका कोला नहीं मिलेगा। कहाँ पर जानते हो आप? वो है नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में। जैसे कि कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये दोनों ही कोई ट्रेड नहीं करता है, कोई भी बिजनेस नहीं करता है। इसलिए दोस्तों हाल ही में ही एक कंपनी फाउंड हुआ है जिसका नाम है फुटप्रिंट कोलिशन। ये कंपनी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमारा एनवायरनमेंट को साफ रखेगा। क्या गजब की कंपनी है यार। क्या आप जानते हो इस कंपनी का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? इसमें ही ट्विस्ट है लेकिन उससे पहले एक फैक्ट हम बता देते हैं कि ये जो कंपनी का मालिक है, इसका जो फाउंडर है, इसके पास बहुत सारा लग्जरियस कार्स है और स्पेसिफिकली इसके पास एक्यूरा NXX कॉन्सेप्ट कार है जिसका प्राइस इतना है कि
उतना पैसा से आप 40 से भी ज़्यादा लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जो अभी बोला ये कंपनी का फाउंडर, तो इस कंपनी का फाउंडर का नाम है टोनी स्टार्क, आयरन मैन, आई मीन आपका सबका चहिदा रॉबर्ट डाउनी जूनियर। दोस्तों दुनिया में ऐसे दो ही कंट्रीज है जिसका शुरुआत द से होता है, द बहामास और द गाम्बिया। दोस्तों क्या आप जानते हो समुंदर में 2 लाख से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप का वायरसेस है। दोस्तों डायमंड हीरा कैसे पता चले कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, इसको पता करने के लिए तो बहुत सारे मेथोड है, बहुत सारे रास्ता है, लेकिन आज हम आपको मेन 2 रास्ता बताऊंगा जिससे आप ठीक से जान सके कि कौन सा हीरा या डायमंड असली है या नकली है। पहले तो आप एक पेपर या फिर एक बुक ले लीजिए, उसके ऊपर हीरा को रखिए, आप देखिए कि अगर वो बुक या पेपर का लेटर अगर उस डायमंड के थ्रू से दिख रहा है तो ये नकली हीरा है। असली हीरे के थ्रू ये लेटर्स नहीं दिखता है। और सेकंड वाला मेथड जो है वो है कैंडल या लाइटर के मदद से वो हीरा को 30 सेकंड या 1 मिनट तक गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद तुरंत ही ठंडा पानी में डाल दीजिए। और अगर ये असली हीरा हुआ तो कुछ नहीं होगा, और अगर नकली हीरा हुआ तो उसमें क्रैक्स आ जाएगा या फिर क्रैक होके फट भी सकता है। दोस्तों नेपाल में एक खास किस्म का मधुमक्खी है जो काफ़ी बड़ा है, जो 1 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है, और ख़ास बात यह है कि उस मधुमक्खी का जो शहद है वो काफ़ी खास है जिसको खाने से हेलुसिनेशन होता है। दोस्तों हम वर्कआउट करते हुए बहुत सारा कैलोरी बर्न कर देते हैं, राइट, अपने उंगली के मदद से माउस को क्लिक करके अगर आप 1 कैलोरी खर्च करना चाहे तो आपको 1 करोड़ रुपये माउस को क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो ऑफिस का चेयर है जिसके नीचे ये व्हील्स चक्का रहता है, ये इसका कॉन्सेप्ट पहले लाया था चार्ल्स डार्विन ने, क्योंकि रिसर्च करने के वक्त उसको हर वक्त एक डेस्क से दूसरा डेस्क जाना होता था इसलिए। दोस्तों जैसे कि हमारा जो ट्रैफिक लाइट्स है वो रेड येलो और ग्रीन रहता है, लेकिन जापान में ये ट्रैफिक लाइट्स रेड येलो और ब्लू रहता है इंस्टेड ऑफ ग्रीन, द लाइट्स इन जापान इट्स ब्लू, क्योंकि दोस्तों जापान में ब्लू और ग्रीन का जो वर्ड है वो सेम ही है। इसलिए ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बिकने वाले चीज़ों में से एक है हैरी पॉटर का बुक, एक है आईफोन और दूसरा है रूबिक्स क्यूब। एरोनो रूबिक्स ने 1974 में रूबिक्स क्यूब को इन्वेंट किया था। हालांकि इसका इन्वेंशन एरोनो रूबिक ने किया था, लेकिन वो खुद ही इसका जो पजल है सॉल्व करने में 1 महीना जितना समय लग गया था। और 2018 में उशेंग दू नाम का एक चाइनीज लड़का जो 3.47 मिनट्स में इस पजल को सॉल्व कर दिया था। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस में सालाना लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं। कोलंबिया के वेस्टर्न पार्ट में एक आर्टिफिशियली मैनमेड आइलैंड है जो काफ़ी छोटा है, जिसका एरिया 2 एकड़ जितना है, और ये आइलैंड मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड आइलैंड में से एक है। इसमें सिर्फ 4 ही मेन रोड है और 155 के जितना घर है। इस मैनमेड आइलैंड में लगभग कुल 500 के जितना लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो वायरल होता है, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें वायरल होता है, राइट, हम पॉजिटिव चीज़ें कभी फोकस ही नहीं करते हैं, कभी देखते ही नहीं है। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है पीपल एंट्री, वहाँ पर अगर कोई भी बेबी गर्ल जन्म लेते हैं तो उस बच्ची के नाम पे 101 पौधे लगाए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट, तो हर एक रक्षाबंधन में उस गांव का सारे लड़की वो सारे जो पेड़ है उस पेड़ को रक्षाबंधन में राखी पहनाते हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी सारे घोस्ट टाउन हैं, जितने भी सारे अबैंडन्ड सिटी है, उनमें से हमारे इंडिया में भी एक है
धनुषकोडी। तमिलनाडु के साउथ ईस्ट पार्ट में एक शहर बसता था जिसका नाम था धनुषकोडी, लेकिन 1964 में एक साइक्लोन के वजह से वो शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया, जिसमें करीब करीब 1800 लोगों का मौत हो गया था। उसके बाद मद्रास गवर्नमेंट ने इसको घोस्ट सिटी घोषित कर दिया। अभी वो एक अबंडेंट सिटी है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सब लोग सोच रही है। धन्यवाद।